अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको सबको घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जी, आज जो हम आपके पास लेके आए हैं, एक मुख्तसर सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं जी, जो अक्सर जो भी बच्चों को भी खिलाएंगे तो आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। चलें जी, इसके इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं जी। ये हमारे पास चावल हैं, ये 1.5 कप था मेरे पास, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, वो मैंने भिगो दिए हैं। 2 शिमला मिर्चें हैं जी वीवर, इसमें 2 चिकन स्टॉक हैं, 2 बादियान के फूल, 1 दालचीनी, 10-12 लौंगें, 1 इलायची, 0 काली मिर्चें 10-12, और 1 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ डालने के लिए। 1 छोटे साइज़ का प्याज मैंने काट लिया ये मेरे पास। चलें जी, अब हम अपने पकाने की तरफ चलते हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ आप देखते जाइएगा। चलें जी वीवर, सबसे पहले हम पैन रखते हैं अपना, उसके बाद इसमें हम प्याज डालते हैं, ऑयल, अदरक का पेस्ट है, उसके बाद हम ये सारे मसाले जो रखे हुए थे हमने, ये मसाले डालेंगे। सौंफ, धनिया पिसा कुटा हुआ और गरम मसाला, इसमें चिकन स्टॉक भी डाला, और ये हमने थोड़ी सी दही 1 टेबल स्पून, ये इनको हम भूनेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। जी और ये हमारा मसाला हो गया, अब इसमें हम ये पानी जो है 2 कप ऐड कर देंगे। बड़ी क्विक सर्विस से बनती है ये, तो ये जब पानी में बॉईल आएगा तो हम इसमें फिर अपनी चावल डाल देंगे। जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये देखें व्यूअर, पानी में बॉईल आ गया है, तो अब हम इसमें ये अपने दोनों कनौर क्यूब्स जो हैं वो डाल देंगे, दोनों क्यूब्स हैं। उसके बाद अब हम चावल डालेंगे, नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जो क्यूब्स डाले हैं उसके अंदर बहुत नमक होता है। अब इसको हम मिला देंगे, चलें जी खोलते हैं देखते हैं। जी ये हमारे चावल हो गए हैं, दम पे आ गए हैं, तो अब हम इसमें ये अपनी कैप्सिकम डाल देंगे और इसको मिक्स करके दम पे रख देंगे, चूल्हा हल्का कर देते हैं। चलें जी इसको दम पे रख देते हैं, तो हम 5 मिनट बाद इसको खोलेंगे। चलें जी वीवर खोल के देखते हैं। जी ये हमारी मज़ेदार सी कैप्सिकम पुलाव तैयार है। चलें जी अब ये तैयार है, सर्विंग की तरफ चलते हैं इसकी। चलें जी सर्विंग की तरफ चलते हैं।